Smriti Irani to look after the Minority Affairs Ministry. Irani will handle Minority Affairs Ministry as additional charge. Remember, Mukhtar Abbas Naqvi, who was handling Minority Affairs Ministry, has stepped down. Now, also information coming in that Jyotiraditya Scindia will be assigned the Ministry of Steel. So, Jyotiraditya Scindia will take charge of the Ministry of Steel. Smriti Irani will take over Minority Affairs Ministry. Amit Kumar joining us on the phone line. Amit, क्या जानकारी दे सकते हैं आप? आज जो पहले खबर आई कि मुख्तार अब्बास नकवी has resigned along with another minister RCP Singh, and now we are getting to know Smriti Irani को उनका ministry दिया गया है। जब देखिए आज सुबह ही जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तभी इस बात का अंदेशा हो गया था कि जो दोनों मंत्री हैं, क्योंकि उनके राज्यसभा का जो टेन्योर है वो खत्म हो रहा था कल, और इसके बाद उनको दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा गया है। तो ऐसे में आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तब प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ भी की और यहाँ तक ये भी कहा कि उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन साथ ही ये कह दिया कि आखिरी कैबिनेट है। इसके बाद ही ये लग रहा था कि उनको इस्तीफा देना होगा, और शाम होते होते दोनों ने, आरसीपी सिंह और मुख्तार अब्बास नकवी ने, इस्तीफा दे दिया। और अब जो राष्ट्रपति भवन की तरफ से जानकारी दी गई कि दोनों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, और इसके अलावा जो उनके पास पोर्टफोलियो थे, जो जिम्मेदारी थी, जैसे कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री संभाले थे मुख्तार अब्बास नकवी, उसकी जिम्मेदारी अब जो फिलहाल एक्स्ट्रा चार्ज जो दिया जा रहा है वो स्मृति ईरानी को दिया जा रहा है। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील जो कि आरसीपी सिंह के पास था, उसकी जिम्मेदारी ज्योतिराज सिंधिया के पास जाएगी। तो राष्ट्रपति भवन की तरफ से दोनों जो नेता थे, जो दोनों मंत्री थे, मुख्तार अब्बास नकवी और आरसीपी सिंह के इस्तीफे को स्वीकार करने के साथ ही उनकी मिनिस्ट्री की एडिशनल जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है।